हेलो स्टूडेंट्स वी एट स्टार्टेड अ चैप्टर फ्रॉम क्लास ट्वेल्व लिटरेचर बुक विस्तार एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द एनिमी और एनिमी चैप्टर में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि आदरीज जैपनीज़ डॉक्टर डॉक्टर सदाओ होकी जिनका घर एक बीच के किनारे पहाड़े पहाड़ियों के ऊपर है और उनकी वाइफ का नेम है हना तो वो एक एमिनंट सर्जन और साइंटिस्ट है और एक बार क्या होता है कि जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर के ऊपर खड़े होते हैं और बाहर कोहरे को देख रहे होते हैं तो अचानक से एक कुछ आकृति उन्हें आती हुई नज़र आती है एक बाद में जाकर जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड अमेरिका वॉज एट वॉर विद जापान एट एट पॉइंट इन टाइम तो अमेरिका और जापान जो थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे और डॉक्टर सदाओ इस दिलेमा में है कि क्या वो एक पैट्रियट होने के नाते उसे आ, जो जापनीज सोल्जर है जो कि जख्मी हालत में था जो बेहोश था उसे क्या पुलिस के आर्मी के हवाले कर देना चाहिए या एज ए डॉक्टर होने के नाते उसका आ, उन्हें इलाज करना चाहिए और काफी डिलामा के बाद उसे अपने घर ले आते हैं और अपने नौकरों को ये बात बताते हैं तो अब हम आगे इसे पढ़ते हैं शी टर्न टू द नर्सरी एंड कोल्ड यूमी तो उनकी वाइफ जो है वो मतलब मेड को बताने के लिए जाती है तो वो नर्सरी की तरफ जाती है नर्सरी का मतलब एक ऐसा रूम होता है जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है तो वहां जाके जो नौकरानी होती है यूमी उसे बुलाती है बट द चिल्ड्रन हार्ड हर बॉयस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाओ नियरली थ्री मंथस ओल्ड लेकिन बच्चों ने शायद उनकी आवाज़ सुन ली थी तो उनको अंदर जाना पड़ा और उनकी तरफ स्माइल करनी पड़ी और जो छोटा सा बच्चा था अभी लड़का जो कि तीन महीने का था तो वहाँ जाके थोड़ी देर उससे खेलना पड़ा हना को और द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ यू मी कम विद मी तो बच्चे के जो आ, मुलायम का, काले बाल थे उसके ऊपर वो अपना आ, जो है मुँह मतलब फिराने लगी तो बच्चे के मुलायम काले बालों को उसने अपने मुंह से छुआ और मुंह वहाँ पर वो मोशन करने लगी मतलब फिर आने लगी और उसने यूमी को कहा कि मेरे साथ आओ पुट द बेबी टू बैड यू रिप्लाइड ही इज़ रेडी तो यूमी कहती है कि मैं बच्चे को सुला देती हूँ वो सोने के लिए तैयार है शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन अर हार्मी स्प्रेड द स्लीपिंग कोइल्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम तो वो यूमी के साथ उस बेडरूम तक गई जो कि नर्सरी के पास ही था और बच्चे को अपने वो आर्म्स में लिए हुए वहाँ पे खड़ी रही और यूमी ने क्या किया कि फर्श के ऊपर जो सोने वाली रज़ाई थी वो बिछाई और उसके बाद बच्चे को उनमें उनके ऊपर लेटा दिया देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन द टू सर्वेंट्स और फ्राइट एंड एट वर्क देअ मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम तो उसके बाद हाना जो है वो तेज़ी से किचन की तरफ जाती है और जो और दो सर्वेंट्स थे उनके घर में कुक और जो गार्डनर थे टोटल थ्री सर्वेंट्स उनके घर में ठीक है यूमी और उसके बाद कुक था और एक गार्डनर था तो वो दोनों सर्वेंट्स जो थे वो इस बात से घबराए हुए थे क्योंकि अभी अभी डॉक्टर सदाओ होकी ने उनको भी ये बात बता दी थी कि हम एक अमेरिकन सोल्जर को घर लेके आए हैं द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट पोल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप और जो बूढ़ा गार्डनर जो था जो कि घर का सर्वेंट भी था और काफ़ी टाइम से वहाँ पर रह रहा था उसने क्या किया उसने घबराहट में या गुस्से में कह सकते हो अपने अपर लिप के कुछ बाल उसने खींच लिए The master ought not to heal the wound of uh, this white man," he said bluntly to Hana. "The white man ought to die. First he was shot. Then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us." तो वो Hana को क्या कहता है, जो gardener है, वो कहता है कि स्वामी को जो है ना मालिक को इस सफ़ेद आदमी, इस white grave, man के घाव को heal नहीं करना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं करना चाहिए उसने ब्लंटली बोल दिया उसने स्पष्ट बोल दिया बात हना को और कहता कि इस सफ़ेद आदमी को मरना ही चाहिए पहले तो देखो इसके गोली लगी उसके बाद समुद्र ने उसे पकड़ लिया और अपनी चट्टानों से इसे जख्मी कर दिया और अगर जो काम गन ने किया और जो काम समुद्र ने किया तो अगर मास्टर अब उन चीज़ों को हील करते हैं उन चीज़ों को ठीक करते हैं तो वो चीज़ें हमसे बदला लेंगी फिर आल टेल हिम वट यू से हना रिप्लाइड करी तो हना ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि ठीक है जो आप कहते हैं वो बात मैं उनको बता दूंगी बट शी हर्सलोटो सुपरस्टिशियस वॉज लेकिन वो खुद घबराई हुई थी लेकिन वो उस बूढ़े आदमी की तरह सुपरस्टिशियस नहीं थी उसकी तरह अंधविश्वासी नहीं थी कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनीमी नेवर दैस दुट व रूम वेयर दैन वो सोचते हैं क्या ये कोई अच्छी बात हो सकती है किसी दुश्मन की मदद करना और उसके बाद उसने फिर भी क्या किया उसने योमी को कहा कि तुम गर्म पानी लेके आओ उस रूम में जहाँ पे वाइट मैन था she went ahead and एंड back बैक द पर्टिशंस was not yet there. तो वो आगे गई और उसने पर्दे जो थे वो साइड में कर दिए और सदाओ वहाँ पर नहीं था following, फॉलोइंग पुट डाउन wooden bucket. बकेट she went ओवर टू द वाइट मैन और यूमी उसके पीछे पीछे जाते हुए उसने जाके जो वुडन बकेट थी वो फर्श पर रख दी और उसके बाद वो वाइट मैन की तरफ जाती है वन शी शो हिम हर्थिक लिप्स फोल्डेड डेम्सल्स इंटू स्टर नेस जब वो उस वाइट मैन को देखती है तो उसके जो मोटे मोटे जो होठ होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं एक हट के कारण एक जिद के कारण मतलब अब उसके मन में रजिस्टेंस आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी जो मुझे मालकिन अब कहेगी आई हैव नेवर वॉच द वाइट मैन शी सेट एंड आई विल नॉट वॉच सो डी अ मैन अ वन नाव वो कहती कि मैंने आज तक मेरी जिंदगी में किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया और इतने गंदे आदमी को तो मैं आज भी वॉश नहीं करूंगी जो इतना डर्टी है अभी हना क्राइड एट हर सीवियरली हना उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू वो कहती हैं तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे मालिक तुम्हें कहेंगे देर वॉज सो फियर लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड तो यूमि का जो गोल मटोल सा जो चेहरा था उसके ऊपर इतना ज़्यादा एक विरोध का भाव नज़र आया हना को कि हना एकदम से डर जाती है बिना किसी कारण से डरने का कोई कारण नहीं होता लेकिन जो कि विरोध की भावना उसे यूमी के चेहरे पे नज़र आती है अपनी मेड के चेहरे पे उससे हना डर जाती है आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग डेट वॉज नॉट एज इट हैपन्ड उसको ये भी डर था कि कहीं सर्वेंट्स ने कुछ ऐसा जाके गवर्नमेंट पुलिस को या आर्मी में रिपोर्ट कर दिया या बता दिया कि हमने एक दुश्मन को अपने घर में पना दी हुई है तो क्या होगा अगर उन्होंने कुछ जाके ऐसी वैसी बात कह दी जो जैसा है नहीं उसके विपरीत अगर बात उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कह दी वेरी वेल शी सेट विद डिग्निटी यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिन्सिस सो डैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर तो बड़ी डिग्निटी बड़ी शान के साथ हाना क्या कहती है कहती है ठीक है आ, मैं तुम्हें यह बता देता बताने देना चाहती हूँ कि हम उसे इसलिए लेके आए हैं ताकि हम उसे होश में ला सकें ताकि हम उसे एज अ प्रिजनर जो है वो पुलिस के हवाले कर सकें या आर्मी के हवाले कर सकें आई विल हैव नथिंग टू डू विद यू मी सेट आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस तो यूमी कहती है कहती है कि मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है मैं तो जी एक गरीब इंसान हूँ और ये मेरा काम नहीं है जो आप कह रहे हो कि वाइट मैन को वॉश करने का देन प्लीज हना सेट जेंटली रिटर्न टू योर ऑन वर्क उसके बाद हना बड़ी विनम्बर तरीके से कहती है तो ठीक है कृपया करके अपने काम पर वापस लौट जाओ जो तुम काम कर रही थी एट वंस यू मी लेफ्ट द रूम और तुरंत अचानक जो है यूमी वो कमरा छोड़ के चली जाती है बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अ लोन और अब हना उस वाइट मैन के साथ उस कमरे में बच जाती है कोई और वहाँ पे नहीं होता है शी माइट हैव बीन टू टू अफ्रेड स्टे हैड हर एंगर एट स्टबर्नस नाउ सस्टेन्ड हर अगर उसे योमी की इस ज़िद पे उस हट पे उसे गुस्सा ना आया होता तो वो शायद वो इतनी डरी हुई होती कि वो अकेली वहाँ नहीं रुक सकती थी चाहे वो वाइट आदमी बेहोश होगा वहाँ पे लेकिन हना फिर भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी लेकिन अब आ, शायद उस गुस्से के कारण वो वहाँ पे अपने आप को रोक पाई Stupid यूमी शी muttered फियर्सली "Is दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड a wounded, हेल्पलेस मैन तो वो अपने मतलब आपसे ही बड़बड़ा के कहती है कहते कि कितनी स्टूपिड है ये यूमी ठीक है इससे ये भी नहीं पता कि ये एक आदमी तो होगा और वो भी एक जख्मी एक असहाय आदमी है ये कुछ कर भी नहीं सकता तो इससे इतना डरने की क्या जरूरत थी इन द कन्वेक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी शी बैंट impulsively एंड untied टाइट द नोटेड रग्स डैट द वाइट मैन कवर्ड तो उसको इस बात की कन्विक्शन थी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि मैं सुपीरियर हूँ मतलब थिंकिंग के मामले में भी इन सर्वेंट से तो वो इस बात के कारण अपनी सुपीरियरिटी के कारण वो नीचे झुकती है और वो क्या करती है जो उसके कपड़े जो भी फट गए थे मतलब काफ़ी ख़राब हो चुके थे रग से हो गए थे वो ठीक है तो उनके जो गांठ लगी हुई थी उनको वो अनटाई करती है खोलती है ठीक है और ताकि वो उसको वॉश कर सके या क्लीन कर सके उसे वेट क्लोथ से When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. जब उसने क्या किया जब उसने उसकी चेस्ट को बेयर कर दिया ठीक है चेस्ट के ऊपर से उसने उसके जब जो कपड़े थे वो रिमूव कर दिए तो उसने क्या किया एक छोटा सा वो एक क्लीन टोवल लेके आई थी जो यूमी लेके आई थी और उसने उसको स्टीमिंग हॉट वाटर के अंदर डाला डिप किया और उसका जो चेहरा था बड़े ध्यान से वॉश करने लगी खाना जो है वाइट मैन का द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर वॉज ऑफ ए फाइन टेक्स्चर एंड मस्ट हैव इन वेरी ब्लॉन्ड वैन ही वॉज अ चाइल्ड उस आदमी की जो स्किन थी वो एक्सपोजर से मतलब काफ़ी उसको मतलब वो बाहर भी रहा होगा या उसे मतलब जैसे पानी बहा के भी लेके आया था तो वो धूप में भी उसको एक्सपोजर हुआ होगा तो इसके कारण थोड़ी सी क्या हो गई थी रफ हो गई थी लेकिन फिर भी एक फ़ाइन टेक्सचर की थी और ऐसा लगता था जैसे कि जब वो बच्चा आ रहा होगा तो वो उसकी स्किन काफ़ी ब्लॉन्ड रही होगी ब्लॉन्ड का मतलब यू कैन से लाउट लाइट ब्राउनिश जो लाइट कलर की उसकी स्किन रही होगी वाइल्ड शी वॉज थिंकिंग दीज था दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ डैट ही वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड She kept on washing him until his upper body was quite clean. इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रही थी और हालांकि वो उस आदमी को पसंद नहीं कर रही थी ठीक है क्योंकि अब वो कोई बच्चा नहीं था अब वो एक आ, यंग मैन बन हो चुका था तो वो उसकी अपर बॉडी पार्ट को वॉश करती रही जब तक कि वो साफ़ नहीं हो गया बट शी डेड नो टर्न हिम ओवर लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे वो पलट दे उसको इसकी बैक को भी क्लीन कर दे वेर वो सदाओ नाव हर एंगर वो जैबिंग एंड शी वो जैक्स अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टावल तो वो सोचने लगे कि उसका हस्बैंड सदाओ कहाँ है अब उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था और वो फिर से डरने लगी थी फिर से एक्शियस होने लगी थी वो चिंतित होने लगी थी वो उठी और उसने रॉन्ग टावल पर अपने हैंड वाइप कर दिए देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्थ ओवर हम और उसके बाद उसे यह लगा कि कहीं वो ठंड के मारे ही वो आदमी मर ना जाए कहीं तो उसने उसके ऊपर रजाई डाल दी सदाओ शी कोल्ड सॉफ्टली उसने बड़ी ही आ, बड़े ही आराम से अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई उसने पुकारा उसे ही हैड बिन अबाउट टू कम इन वैन शी कोल्ड और वो जैसे ही उसने पुकारा वो अंदर आने वाला था हिज हैंड हैड बिन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपन डट उसका हाथ पहले ही दरवाजे पे था और जैसे ही वो उसे पुकारती है इतने भी दरवाज़ा वो खोल देता है शी सो दैट ही हैड ब्रोट हिज सर्जनस इमरजेंसी बैग एंड डैट ही वोट हीज सर्जन्स कोट उसने देखा कि वो जो है अपना इमरजेंसी बैग ले आया है सर्जरी वाला और अपना कोट भी पहने हुए था यू हैव डिस टू ऑपरेट शिक राइट तो वो एकदम से चिला के कहती है तो इसका मतलब तुमने ऑपरेशन करने को डिसाइड कर लिया है तुम इसे ऑपरेट करोगे येस ही सेट शोर्टली तो उसने बीच में ही कह दिया था बात की कि हाँ मैं इसका ऑपरेशन करूंगा ही टर्न हीज़ बैक टू हर एंड अनफोल्डेड एस्टरलाइज टॉवल अपन द फ्लोर ऑफ द टोकनोमा अल्को एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट उसने अपनी बैग को अपनी वाइफ की तरफ टर्न किया और उसने क्या किया वहाँ जो कि एक दीवार में टोकोनोवा एल्को बना हुआ था एक दीवार के अंदर स्पेस हो जाता है कुछ चीज़ें रखने के लिए ठीक है तो उसके ऊपर उसने क्या किया एक्सटर्लाइज टॉवल को अनफोल्ड किया वहाँ पे उसे बिछाया और अपने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उसके ऊपर रख दिए फैच टावल्स हिसेट उसने अपनी वाइफ से कहा कि टावल्स लेके आओ शी वेंट ओबीडियटली बट हाउ एंक्शियस नाउ टू द लेन शेल्स एंड टुक आउट द टावल्स तो वो बड़ी ओबीडेंटली लेकिन एंक्शियसली uh, कहाँ जाती है लिनन की शेल्फ जहाँ ये लेनन के क्लोथ्स वगैरह रखे होते हैं वहाँ पे जाती है अलमारी होती है लिनन के कपड़े जिसमें रखे हुए थे और वहाँ से टावल्स ले आती है देर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग सो डेट द ब्लड वुड नॉट रुविन द फाइन क्लोर फ्लोर कवरिंग शी वेंट आउट टू द बैक वरेंडा वेयर द गार्डनर कैप स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट डेलीकेट शर्ब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टू कैन हार्मफुल ऑफ दैम तो तभी अचानक हन्ना को ये ख्याल आता है कि मैं कुछ मैटिंग्स के टुकड़े भी उठा लाती हूँ जो पुराने टुकड़े हैं ताकि ये जो ब्लड है इसके घाव से निकलता हुआ वो ये फ्लोर के ऊपर जो डीप मैटिंग की हुई है अच्छे से मैट्स जो हम बिछाए हुए हैं उसको ख़राब ना करे वो ब्लड तो वो ये सोचकर बरामदे की तरफ जाती है और ये सोचती है कि गार्डनर ने क्या किया होगा वो मैटिंग्स जो है उन नाजुक झाड़ियों को और पौधों को ठंड से बचाने के लिए उनके ऊपर डाल रखी होगी तो मैं वहाँ से एक मुट्ठी भर के वो कुछ मैटिंग्स के टुकड़े उठा लाती हूँ बट वैन शी वेंट बैक इन टू द रूम शी सो दिस वॉज यूजलेस द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक थ्रू द पैकिंग इन द वोंड मैन्स वैड रूइन द मैट अंडर हिम लेकिन जब वो वापस रूम के अंदर आती है तो वो आगे देखती है कि ये सब तो यूजलेस था लाना क्योंकि ब्लड पहले से ही क्या हो चुका था और उसके घाव की पैकिंग मतलब घाव के अंदर जो मोस उन्होंने फिल की हुई थी उससे होता हुआ जो है आ, उसके आ, फ्लोर के ऊपर आ चुका था और मैट जो थी उसको पहले ही वो मतलब गीला कर चुका था ब्लड वहाँ तक पहले ही आ चुका था ओह द मैट शी क्राइड और वो चिल्लाती ये देख के कहती कि अरे मैट खराब हो गई येस इट इज़ रूइंग सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर हेल्प मी टू टर्न हिम ही कमांडेड हर तो सदाओ ने उसे जवाब दिया हाँ हाँ ये खराब हो गई है जैसे कि उसे इसकी परवाह ही ना हो मैट की कोई और उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि आ, इसको टर्न करने में मुझे हेल्प करो शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगैन टू वॉश द मैंज़ बैक केयरफुली तो उसने बिना कोई शब्द कहे अपने हस्बैंड की बात मानी और वो उसकी पीठ को वॉश करने लगा यूमी वुड नॉट वॉश हिम शी सेट तो उसने अपने हसबैंड से कहा कहता कि यूमी ने इसे वॉश करने से इनकार कर दिया था डिड यू वॉश हिम देन सदाओ आस्क नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट ही स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स तो सदाउ उसे पूछता है मतलब जो वो उसको वॉश कर रहा होता है उसकी जो मूवमेंट चल रही होती है हाथों की उनको ना रोकते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि इसका मतलब तुमने इसे साफ़ किया वॉश किया यस शी शेड तो उसने कहा हाँ मैंने इसे साफ़ किया ही डिड नॉट सीम टू हियर हर बट शी वॉज यूज़ टू हज अब्जॉर्बशन वैन ही वॉज एट वर्क ऐसा लगा जैसे उसे अपनी वाइफ की ये बात सुनाई ना दी हो लेकिन उसकी वाइफ भी उसकी इस हैबिट से आती थी कि जब भी वो अपने काम में होता था तो इतना व्यस्त हो जाता था कि उसे और कुछ ध्यान ही नहीं रहता था शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ़ इट mattered टू हिम what was द बॉडी अपॉन विच he worked सो लॉन्ग एज इट was फॉर द वर्क he डिड सो एक्सेलेंटली तो कई बार तो वो इस बात से हैरान हो जाती थी कि आ, क्या उसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता था कि किसकी बॉडी के ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है इलाज कर रहा है उसे सिर्फ इस बात का फ़र्क पड़ता था कि उसे अपना काम एक्सेलेंट तरीके से करना है चाहे अगर वो ऑपरेशन दोस्त का कर रहा हो या चाहे दुश्मन का कर रहा हो यू विल हैव टू गिव द अनस्थेटिक इफ़ ई नीड्स इट ही सेट तो उसने अपने वाइफ से कहा कि अगर इसको जरूरत पड़े तो तुम्हें इसे अनस्थेटिक देना पड़ेगा अनस्थेटिक मीन्स एक मेडिसिन होती है जिससे क्या हो जाता है पेशेंट कुछ टाइम के लिए उसे यू कैन से अनकॉन्शियस स्टेट या लोकल और ग्लोबल अनिस्थीशिया होती है जिससे कि आ, उसको पेन महसूस नहीं होता ठीक है आई शी रिपीट ब्लैंकली बट नेवर हैव आय तो वो कहती है मैं वो कहते हैं कि मैंने तो आज तक ऐसा नहीं किया किसी को एनेस्थेटिक नहीं दिया इट इज़ इजी इनफ ही सेड इम तो सदाओ अधीर होते हुए कहता है कि अरे ये बिल्कुल आसान है ही वो टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली और अब वो क्या कर रहा था उसके घाव में से जो उसने पैकिंग की थी वो बाहर निकाल रहा था और जो वो बाहर निकालते ही जो ब्लड है वो तेजी से बहने लगा ही पियर्ड इन टू द वड विद द ब्राइट सर्जन लाइट फास्ट एंड ऑन हिज फोर हैड और जैसा कि सर्जन लोग अपने माथे पर लाइट बांधे होते हैं तो उसने उसके हेल्प से उस घाव के अंदर तक झांक कर देखा द बुलेट इज़ स्टिल देयर ही सेड विद कूल इंटरेस्ट तो उसने क्या कहा कहता कि बुलेट अभी भी इसके अंदर है नाव आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज़ इफ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी डेट आई कैन गेट द बुलेट तो कहता है कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना गहरा यह घाव होगा अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं है तो मैं बुलेट बाहर निकाल सकता हूँ बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल लेकिन ये जो इतना खून बहा है ना ये नकली नहीं है ठीक है इसका मतलब घाव जो है वो काफी गहरा है क्योंकि ये सुपरफिशियल ब्लड नहीं है मतलब ऊपर ऊपर का ब्लड नहीं है ये काफी इंटरनल ब्लड लॉस हुआ है मच ब्लड तो उसने काफी खून उसका खो गया है एट दिस मोमेंट हना चोक्ट ही लुक एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर तो इसी मोमेंट पे जो थी वो हना जो है उसका गला भर आया था और उसका दम घुटने लगा था और उसने ऊपर की तरफ देखा डॉक्टर सदाओ ने और देख अपनी वाइफ का चेहरे का कलर देखा कि वो सल्फर के कलर जैसा हो गया था डोंट फेंट ही सेट शार्पली तो उसने कहा अपनी वाइफ को कि बेहोश मत हो जाना ही डिड डॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट उसने जो इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ में ले रखे थे जिससे वो उस घाव को एग्जामिन कर रहा था उसने वो नीचे नहीं रखे इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई तो वो कहता कि अगर मैं अभी इन इंस्ट्रूमेंट को रख देता हूँ नीचे और तो इसका मतलब ये आदमी श्योरली मर जाएगा शी her हैंड्स to हर माउथ एंड लिप्ट अप एंड रन आउट ऑफ द रूम तो हना ने क्या किया आ, अपने मुंह के ऊपर अपने हाथ रखे और एकदम से वो उस रूम से तेज़ी से बाहर चली गई आउटसाइड इन द गार्डन ही हार्ड हर रैचिंग बट ही वेंट ऑन विध हीज़ वर्क और बाहर गार्डन में हना के उल्टियों की आवाज़ें आ रही थी मतलब शायद उसने ऑपरेशन पहली बार वो देख रही थी तो इसलिए उसी वॉमिटिंग होने लगी थी लेकिन वो डॉक्टर सदाव जो है वो अपना काम करता रहा इट विल be her बेटर फॉर हर टू एम टी आर स्टमक ही था ऑफ कोर्स यी एड नवर सीन एन ऑपरेशन तो वो सोचता है कि अच्छा होगा कि उसका स्टमक जो है वो खाली हो जाएगा इस तरह रैचिंग से और वो शायद ये बात भूल गया था कि हना ने पहले कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था बट हर डिस्ट्रेस एंड हीज़ इन एबिलिटी टू गो टू हर एडवंस मेड हिमिम पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हू लेक डेड एंड्रीज नाइफ लेकिन हना का इस तरह से दुखी होना और उसका उसके पास ना जा पाना डॉक्टर सदाओं का हन्ा के पास ना जा पाना तो इस बात से डॉक्टर सदाओ क्या हो रहा था अधीर हो रहा था चिड़चिड़ा भी हो रहा था क्योंकि जो आदमी जिसकी वो सर्जरी कर रहा था उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था ठीक है और उससे वो उसके साथ और भी इरिटेट हो गया था दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव तो उसके घाव को एग्जामिन करते हुए वो डॉक्टर सदाओ सोचता है कि ये इंसान कहता कि इसे कोई हक नहीं है कि ये ज़िंदा रहे क्योंकि इसकी वजह से मेरी वाइफ भी परेशान हो रही है और मैं उसे उसके पास तक नहीं जा पा जा सकता अनकॉन्शियसली दिस थाट मेड हिम रुथलेस एंड ही प्रोसीडिड स्विफ्टली और पता नहीं क्या हुआ उसके मा इस बात को सोचकर वो थोड़ा सा निर्दयी हो गया अपना इंस्ट्रूमेंट चलाने में उसके इंस्ट्रूमेंट जो थे वो थोड़े से निर्दयता से चलने लगे और वो तेज़ी से चलने लगे मतलब अब उसे इस बात की परवाह नहीं हो रही थी कि इसे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा इन इज ड्रीम द मैन वोट बट सदाऊ पेट नो हिट एक्सेप्ट टू मटर एट हिम तो जैसे सपने में या बेहोशी में ऐसा लगा कि वो आदमी कराह करहा और ऐसा लगा कि डॉक्टर सदाऊ ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया सिर्फ कुछ बड़बड़ाने के अलावा ग्रोन ही मटर ग्रोन इफ यू लाइक आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर इनफैक्ट आई डोन्ट नो वाई आई एम डूइंग इट तो डॉक्टर सदाऊ कहता है कहता है और तुम चिल्लाओ और कराओ तुम और कहता है मैं मेरी खुशी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं तो खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारी सर्जरी क्यों कर रहा हूँ द डोर ओपन एंड देर वॉज हना अगेन दरवाजा खुला और फिर से हना अंदर आ गई वेर इज द अनेस्थेटिकन अ क्लियर वॉइस तो उसने स्पष्ट आवाज़ में अपने हस्बैंड से पूछा कहते हैं कि अनस्थेटिक कहाँ है सदाओ मोशन विद इच चिन इट इज एज वेल दैट यू केम बैक ही सेट दिस फैलो इज बिगिनिंग टू स्टिर सदाओ ने अपनी चिन से उसे इशारा कर दिया कि अनस्थेटिक उस तरफ है और साथ ही ये भी कहा कि अच्छा हुआ कि तुम आ गई ये आदमी थोड़ा होश में आने लगा है अभी शेयर द बोटल एंड सम कॉटन इन आर हैंड उसके हाथ में एक बॉटल थी और एक

और सदा वो अपना काम करता रहा मतलब जो भी उसके काम की जो बारिकियाँ थी जो इंट्रीकेट डिटेल थी कॉम्प्लेक्स डिटेल थी वो बड़े ध्यान से मतलब उसमें डिले किए बिना उसने ये जवाब दिया और अपनी वाइफ को कहता है कि जब उसकी सांसों से दुर्गंध आने लग जाए या बैड स्मेल आने लग जाए तो ये जो है कॉटन उसकी नाक से दूर हटा लेना शी रहा क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन और वो धीरे से वो जो अमेरिकन सोया हुआ था उसके चेहरे के पास आ जाती है इट वॉज ए पीटियसली थिन फेस शी थोट एंड द लिप्स और उसका चेहरा बड़ा ही दयनीय था बड़ा ही मतलब कमज़ोर सा चेहरा था दया आ रही थी उसे देख कर और उसके लिप्स जो थे वो थोड़े ट्विस्टेड थे थोड़े मुड़े हुए थे द मैन वो सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट चाहे उस इंसान को पता हो या ना हो लेकिन वो कष्ट में वो संकट में या वो प्रॉब्लम में तो जरूर था वॉचिंग हिम शी व स्टोरीज दे हार्ड सम्स दफरिंग्स वर्ट यू उसको देखकर हना को ध्यान आया कि जो कहानियाँ वो सुनते हैं कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उन्हें बड़ा तंग किया जाता है उन्हें बड़ा टॉर्चर किया जाता है क्या वो कहानियाँ सच में सही हैं दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज़ कॉन्ट्राडिक्टेड क्योंकि वो कहानियाँ अफवाहों के झोंकों की तरह आती थी और एक इंसान दूसरे इंसान को सुनाता था वो मतलब कहीं लिखी नहीं होती थी और हमेशा उनमें कॉन्ट्राडिक्शन रहता था मतलब कोई कुछ कहानी बताता था और कोई दूसरा इंसान कुछ अलग तरीके से बताता था इन द न्यूज़ पेपर्स द दैपनीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसिव दम ग्लैडली, विद क्राइज ऑफ जोए एट दियर लिबरेशन और न्यूज़पेपर्स में ये भी रिपोर्ट्स आती थे कि जापान की आर्मी जहाँ भी जाती तो लोग बड़े प्यार से उनका स्वागत करते थे और खुशी के मारे चिल्लाते थे उनकी आज़ादी पर बट समाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन है जनरल तैकीमा एट होम बट हज वाइफ क्रिएली द नोवन हैड मैं विक्टोरिया बैटल इन मंचूरिया लेकिन कभी कभार वो जनरल तकीमा जैसे लोगों को याद करती थी जो घर पे तो अपनी वाइफ को निर्दयता से पीटा करते थे लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं करता था क्योंकि उन्होंने मंचूरिया जैसे जो बैटल हैं उनके अंदर लड़ाइयाँ जीती थी तो लोग उन आ, आ, बातों का कभी जिक्र नहीं करते थे कि घर में वो इतने निर्दयी थे इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूल टू अ वूमेन इन इज पावर वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस तो है ये सोच के हैरान होते थे कि एक इंसान जो अपनी वाइफ को इतना पीट सकता है जो कि जिस पर वो अपना अधिकार समझता है तो अगर उसके हाथ कोई दुश्मन देश का अगर कोई सोल्जर लग जाए तो उसकी वो क्या हालत करता होगा शी होप्ड एंक्शियसली डेट दिस यंग मैन हैड नॉट बिन टॉर्चर्ड तो वो बड़ी चिंतित होते हुए उम्मीद कर रही थी कि शायद इस बेचारे नौजवान को टॉर्चर ना किया गया हो इट वॉज एट दिस मोमेंट डेट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर और तभी उसे क्या दिखाई दिए उसकी नेक के ऊपर उसके गर्दन के ऊपर कान के ठीक नीचे उसे गहरे जख्मों के घाव उसे नजर आए जो निशान पड़ जाते हैं घावों के दो स्कार्स शी मरमर लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ तो वो धीरे से बड़बड़ाती है सदाओ की तरफ देखते हुए कहती है कि वो जख्मों के निशान बट ही डी आंसर लेकिन सदाओ इस बात का कोई जवाब नहीं देता एट दिस मोमेंट ही फेल्ट टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी तो तभी अचानक जो वो प्रोब कर रहा था अपने इंस्ट्रूमेंट से उसके घाव को तो आ, उसे लगा कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है किसी चीज़ से टकराया है किडनी के पास खतरनाक तरीके से ओल थोट लेफ्ट हिम और उसके दिमाग से सारे विचार गायब हो जाते हैं ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर और उसे एक डॉक्टर होने पे मतलब एक उसे गर्व महसूस होता है उसे प्योरेस्ट प्लेजर फील होता है कि आखिर उसे बुलेट मिल गई थी ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी उसके बाद वो अपनी फिंगर्स से उस बुलेट तक उस, उस हाव को एग्जामिन कर रहा था बड़े ही प्यार डेलिकेट तरीके से और वो इंसान की बॉडी के हर एक एटम से परिचित था हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी हैड सीन टू डैथ नॉलेज इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एज द इज़ द सर्जनज कार्डिनल सिं सर्स ही हैड थंड हीज क्लासेज ईयर आफ्टर ईयर तो वो कहता है कि उसका जो ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर था एनाटमी का उसके कारण आज सदाओं को एक कंप्लीट नॉलेज था ह्यूमन बॉडी का और वो प्रोफेसर बार बार अपनी क्लास में ये चिल्ला के कहा करते थे ये बात अपने सभी स्टूडेंट्स को कि इंसान की बॉडी का पूरा नॉलेज होना मतलब एक सर्जन के लिए पैरामाउंट इम्पोर्टेंस रखता है और अगर एक सर्जन को इंसान की बॉडी के बारे में नहीं पता हो तो वो उसका सबसे बड़ा अपराध है टू तो ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट लेस देन दैट इज़ मर्डर अगर आप किसी की बॉडी पे ऑपरेट करने लगो और आपको Uh, उसका इतना नॉलेज नहीं है ठीक है जैसे कि मान लो आपने किसी चीज़ को खुद बनाया हो ठीक है अगर आपको इतना नॉलेज है ह्यूमन बॉडी का कि जैसे आपने खुद उसे असेंबल किया हो तभी आप किसी के ऊपर ऑपरेट कर सकते हो अगर उससे कम नॉलेज से ऑपरेट करते हो तो इसका मतलब आप वो मर्डर कर रहे हो इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाओ मरमर्ड तो सदाओ धीरे से बड़बड़ाता है कि किडनी के पास सब कुछ ठीक नहीं है मेरे दोस्त इट वॉज इज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट वन ही हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन तो ये उसकी हैबिट थी कि अपने आप को जब वो किसी ऑपरेशन में बिल्कुल डुबो लेता था या वो उसमें खो जाता था तो वो पेशेंट से बातें करता था इस तरह से माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड इज पेशेंट एंड सो नाव ही डेड फॉर गेटिंग डेट दिस वो चीज़ एनिमी हमेशा अपने पेशेंट को वो माई फ्रेंड ही कहता था और इस बार भी उसने ऐसा किया और ये भूल गया था कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन था तो ये काइंड ऑफ आयरनी है एक्चुअली ही वो चीज़ एनिमी लेकिन फिर भी वो उसे माई फ्रेंड बोल देता है देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रसाइज ऑफ इंसिजेंस

अच्छा नहीं लग रहा था फिर भी उसने उसकी कलाई उठाई और उसकी पल्स चेक की एट देर सो स्टिल्स बट इन ही यूटेड इफ़ ही यूटेड द मैन टू लिव टू गिव होप हाँ उसकी पल्स जो थी उसकी जो नव्स थी वो क्या बहुत धीमी थी बहुत ही हल्की महसूस हो रही थी लेकिन इतनी जरूर थी कि अगर वो चाहता कि वो आदमी जिंदा रहे तो उसे उम्मीद देने के लिए काफ़ी थी बट सडनली आई नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव ही थॉट लेकिन वो सोचने लगा लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये आदमी जिंदा रहे नो मोर अनेस्थेटिक ही टोल्ड हना तो उसने अपने वाइफ हना से कहा कि इसे और अनस्थेटिक मत दो ही एंड एज स्विफ्टली एज दो पोज एंड फ्रामीज ही चोज वॉयल एंड फ्रॉम इट फिल्ड हाइपोडर्मिक एंड थर्स्ट इट इन टू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म तो वो बड़ी तेज़ी से मुड़ा एंड उसके बाद उसने क्या किया अपनी मेडिसिन से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसको एक हाइपोडर्मिक उसने एक जो है इंजेक्शन उससे फिल किया और उस पेशेंट के लेफ्ट आर्म के नीचे उसे लगा दिया अंडर नीडल को नीचे रखते हुए उस आदमी की कलाई फिर से पकड़ी। पल्स एंड ग्रू स्ट्रगर तो उसने क्या महसूस किया अपनी उंगलियों के नीचे जो उसकी पल्स थी वो थोड़ी फड़फड़ाई और उसके बाद वो स्ट्रॉग हो गई दिस मैन इन स्पाइट ऑफ ऑल सेड टू हना एंड साइड तो उसने गहरी सांस लेते हुए हना को कहा कि आ, ये मैं आदमी जो है वो ज़िंदा होकर रहेगा हर आ, इन सब बातों के बावजूद भी द यंग मैन वॉक सो वीक हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड वैन ही परसीव्ड वेर ही वॉज उसके बाद वो नौजवान को होश आ जाता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है इस बात को सोच के कि वो कहाँ आ गया है दैट हना फेल्ट कम्पेयर टू अपोलोजाइज उसको अपने खुद से डरा हुआ देख कर हना जो है वो उसे माफ़ी मांग लेती है कि उसकी वजह से वो डर जाता है शी हरसेल्फ सर्व द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम ठीक है तो हाना खुद उसे सर्व करती है खाना वगैरह क्योंकि बाकी कोई भी सर्वेंट रूम में एंटर नहीं करता वेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सो हिम समन ही स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर फॉर सम फियरफुल थिंग जब वो पहली बार अंदर आती है तो वो देखती है कि वो अपनी जितनी भी थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथ है वो उसको इकट्ठा करके वो कुछ डरावना करने की कोशिश कर रहा है तैयारी कर रहा है डोंट बी अफ्रेड शी बैगड हिम सॉफ्टली तो वो उसे बड़े आराम से उसे रिक्वेस्ट करती है कहते कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश ही गास्प वो हाफते हुए कहते हैं कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है वो हना से पूछता है अब वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका शी रिप्लाइड तो हना कहती है कि मैं काफी लंबे समय तक अमेरिका में रही थी शी सो दैट हीट बट ही कुड नॉट एंड एंड सो शी फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सल स्पून तो उसने देखा कि वो उसकी बात का जवाब देना चाहता था बट वो जवाब दे नहीं पाया इसलिए वो झुकी और उसको जो एक चीनी मिट्टी की स्पून थी उसे बड़े आराम से उसे खाना खिलाने लगी ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट उसने बिना मन के खाना खाया लेकिन फिर भी उसने खाना खाया नाव यूल बी स्ट्रॉन्ग सी हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम हना उसे कहती है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे ठीक है और वो उसे पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी उसे सांतोना उसे कम्फर्ट देती है ही डिडेंट आंसर वो हना के इस बात का कोई जवाब नहीं देता एंड सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन ही फाउंड द यंग मैन सेटिंग अपेस ब्लडलेस एफर्ट जब सदाओ ऑपरेशन के तीसरे दिन घर आता है तो वो देखता है कि जो ये नौजवान है वो बैठा हुआ होता है और इस एफ़र्ट से इस एग्जर्शन से उसका चेहरा जो है वो ब्लडलेस हो जाता है मतलब चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है लाई डाउन सदाओ कराई डू यू वॉन्ट टू डाई तो सदाओ चिल्ला के उसे कहता है, कहता है कि लेटे रहो क्या तुम मरना चाहते हो ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रॉगली एंड एग्जामिन द दून उसने उसे वापस लेटाया उस आदमी को और उसके घाव को एग्जामिन किया यू में किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉट ऑफ थिंगल्डेड उसने उसे डांटा कहता है कि अगर तुम इस तरह की चीज करोगे तो तुम अपने आप को जरूर मार लोगे वट आर यू गोइंग टू डू विद मी द बॉय मर्टर ही लुक जस्ट नाउ बेरली सेवनटीन आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर तो वो लड़का धीरे से बड़बड़ा था कहता है तुम मेरे साथ क्या करोगे क्या तुम मुझे आर्मी के हवाले करने वाले हो और अब उसे देखने से लग रहा था कि वो मुश्किल से ही सत्रह साल का था फॉर अ मोमेंट सदाओ डिट आंसर एक पल के लिए सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल दिल्ल्वेल्ट ओवर द मैन उसने इसके घाव को एग्जामिन किया और उसके बाद उसके ऊपर सिल्क की रजाई डाल दी आई डो नॉट नो माई सेल्फ बट आई शैल डू विद यू ही सेड आई नोट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर नो डो नोट टेल मी एनी थिंग ही पुट ऑफ हिज हैंड एज ही सो द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक डो नॉट इवन टेल मी योर नेम आनस आई आस्क इट तो डॉक्टर सदाऊ उस प्रिजनर को कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो और इतने में ही वो वाइट आदमी कुछ कहने के लिए वाला होता है अपने हाथ ऊपर उठाता है कुछ कहने के लिए कुछ बोलने वाला होता है तो सदा उसे रोक देता है कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं बोलना जब तक कि मैं तुम्हारा नाम भी ना मतलब कुछ भी ना पूछूं अपना नाम भी मुझे मत बताना दे लुक अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन हिज एंड फेस टू द वर्ल्ड उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और उसके बाद उस यंग मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया ओके ही विस्पर्ड हिज माउथ है बिटर लाइन तो वो धीरे से बोल लेता है ठीक है और उसका चेहरा मतलब जैसे अब कड़वाहट दिखा रहा है जैसा उसका चेहरा मतलब वो आ, मतलब नाराज़ हो जाता है सदाओ की इस बात से आउटसाइड द डोर हना वॉज़ वेटिंग फॉर सदाओ ही सो एट वंस शी डेट्स इन ट्रबल दरवाजे के बाहर हना जो है वो सदाओ का इंतज़ार कर रही थी और वो देखता है कि वो मुसीबत के अंदर है

आ, जो है अमेरिकन को पसंद करते हैं ये आ, ये बात हनाने सदाओ को बताई कि नौकर ऐसा हमारे बारे में सोचते हैं इट इज़ नॉट फू सदाओ हार्शली आर आवर एनिमीज बट आई आई हैव ट्रेन नॉट टू लेट डाई इफ कैन हेल्प इट तो सदाओ बड़ी कठोरता से कहता है ये बात सच नहीं है अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं मेरे देश के देश के दुश्मन हैं तो मेरे भी दुश्मन हैं लेकिन ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से हुई है मुझे सिखाया गया है कि अगर मैं किसी आदमी की जान बचा सकता हूँ तो मुझे उसे मरने नहीं देना है द सर्वेंट्स कै नॉट अंडरस्टैंड डैट एड एंगशियसली तो हना बड़ी चिंतित तहजीब में कहती है लेकिन नौकरों को ये बात समझ नहीं आती नो ही एग्रीड उसने कहा हाँ उसने नहीं कहा वो हना से सहमति जताता है इस बात में नीदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैक डॉन द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल देर कट सी वॉज एज केयरफुल एज अवर बट देर आइज वर कॉल्ड अपन द पेयर टू होम देवर हायर तो उन दोनों में से कोई और कुछ भी नहीं कह पाया और जैसे तैसे घर आगे चलता रहा तो सर्वेंट्स जो है वो थोड़ा और चौकन्ना हो गए थे उनकी कटसी उनका रिस्पेक्ट तो वही था अपने मालिकों के लिए और मालिक और मालकिन के लिए लेकिन अब वो उनको तिरस्कार की नफरत की दृष्टि से देखने लगे थे उन दोनों को क्योंकि उन दोनों ने एक अमेरिकन को एक वाइट को अपने घर में जगह दी थी इट इज़ क्लियर वर्ड और मास्टर वॉट टू डू द ओल्ड गार्डनर्स एट वन मॉनिंग ही हैड वर्क विद फ्लावर्स ओल इज लाइफ एंड स्पेशलिस्ट टू इन मॉस फॉर सदाउज फादर ही फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कॉर्पेट कॉन्स्टेंटली सो डेट नॉट अ लीव और अ पाइन नीडल मार द वॉलट ऑफ इट्स सरफेस तो जो बूढ़ा गार्डनर था जो जिसने फूलों के साथ ही पूरी जिंदगी काम किया था और वो एक मोस के अंदर काई के अंदर स्पेशलिस्ट भी था और सदाओं के फादर के लिए उसने जापान के अंदर काई का सबसे सुंदर गार्डन बनाया था और उसके ब्राइट ग्रीन कारपेट को वो हमेशा साफ़ करता रहता था, था ताकि कोई भी एक पत्ता या कोई कांटा वगैरह भी वहाँ पे उसके वेलवेट को ख़राब ना करे उस उस गार्डन के तो उसने एक सुबह कहा कि स्पष्ट है कि हमारे स्वामी को क्या करना चाहिए माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल वट ही हॉट टू डू ही नाउ सेड पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ए स्पॉक वैन द मैन वॉज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड तो कहता है कि मेरे बूढ़े स्वामी का जो बेटा है ना मतलब डॉक्टर सदाऊ जो है वो अच्छे से जानता है उसे क्या करना चाहिए उसने एक झाड़ी से एक कली तोड़ते हुए कहा कहता है कि जो आदमी मौत के इतने नजदीक था तो उसका खून बह क्यों नहीं जाने दिया उसे मरने क्यों नहीं दिया डॉक्टर ने द यंग यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ स्किल टू सेव लाइफ लाइफ ही एनी द प्राउडसली तो उनके घर का जो कुक था वो कहता है वो तिरस्कार से नफरत से कहता है ये बात कि हमारे यंग मास्टर को अपने स्किल पे इतना घमंड है इतना प्राउड है कि वो किसी की भी जान बचा सकते हैं तो वो किसी की भी जान बचा लेते हैं

सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स में से है और वो उस कुक को उस ब्लड की एक भी बूंद वेस्ट करने नहीं देता था उस वाइन के अंदर वो उसे वो बूंद बूंदें डालने के लिए बोल देता था इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक यू मी सैडली वट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर तो यू मी कहती है कि हमें बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए कहता था कि अगर जो है उनके पिता को गद्दार करार कर दिया जाता है कि अपने घर में एक दुश्मन को शरण देने के लिए तो उन बच्चों का क्या भविष्य होगा

उसका एक मन तो ये कहता था कि वो लोग सही कह रहे हैं वो नौकर जो वो बात कह रहे हैं लेकिन उस उसी का ही दूसरा एक मन कुछ ऐसा कहता था तो वो खुद नहीं समझ पा रही थी इट वॉज नॉट द सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर ऐसा नहीं था कि वो इमोशनल हो गया या भावनाओं में बह के उस प्रिजनर को हमारा छोटा बच्चा समझ के कि उसकी जान बच जाए ऐसा चाह रही थी शेड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर वो उसे एक प्रिजनर के तौर पे समझती थी कि वो एक कैदी था शेड नॉट लाइक हिम इवन येस्टरडे वन ही हेड सेट इन इज इम्पलिव वे एनी वे लेट मी टेल यू डैट माई नेम इज़ टॉम और कल भी उसे वो बात अच्छी नहीं लगी थी जब वो उस प्रीजनर ने हना को अपना नाम बताया था कि हाँ चलिए मैं आपको अपना नाम बताता हूँ कि मैं, मेरा नाम टॉम है शीड ओनली बोड हर लिटल डिस्टेंट बो शी सो हार्ट इन हिज आइज बट शी डि नॉट विश टू असाउज इट इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रैवल इन दिस हाउस तो उसने दूर से ही उसे झुक कर उसका रिस्पेक्ट कर दिया था और उसने उसकी आँखों में हट देखा था उस सोल्जर की आंखों में लेकिन फिर भी उसके मन में ये नहीं आया कि वो उसे कुछ तसली दे या उसका दर्द कम करे ठीक है बल्कि उसके अकॉर्डिंग तो वो उस घर में एक मुसीबत था वो